बसपा की आंधी चल चुकी है, विरोधियों की छाती पर हाथी पैर रख चुका है, अब हाथी किसी के रोके से नहीं रुकेगा। A form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. साथियों, बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह था। साथियों, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु साथियों, हमारे एमपी में बीजेपी की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि कुछ मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के हिसाब से चल रही है। साथियों, श्रीमती भारती कसडेकर जी और उनके परिवार के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह इनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। परंतु साथियों, हैरानी की बात इन 5 लोगों की हत्या नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि जब श्रीमती भारती जी 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने ही समाज के गवर्नर से मदद मांगने पहुंची, तो गवर्नर साहब ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। जिस सरकार में अपने ही समाज के लोग मदद करने से इनकार कर दे, वो सरकार के बारे में मैं क्या ही कहूं। साथियों, क्या इसी तरह की सरकार को आपने वोट करके सत्ता में लाने के लिए कहा था? जवाब दीजिए साथियों, क्या ऐसी सरकार को हक है सत्ता में बैठने का जो अपने समाज की मदद ना कर सके? साथियों, आपने रामजी लाल अहिरवार जी का भी नाम सुना होगा। जी साथियों, मैं उन्हीं रामजी लाल अहिरवार जी की बात कर रहा हूं जिनकी 2 मनुवादी सोच रखने वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने उन्हें सिगरेट के लिए माचिस नहीं दी। साथियों, ये उस सरकार का शासनकाल है जो तरक्की की बात करते हैं, जो दावा ठोकते हैं कि हमने भारत को पहला पिछड़े समाज से प्रधानमंत्री दिया। क्या उस भारत के प्रधानमंत्री के उस प्रधानमंत्री के भारत में ऐसा शासनकाल चल रहा है जहां पे हमारे समाज के इस व्यक्ति को एक माचिस की तिल्ली ना देने पर मार मार के हत्या कर दी जाए? बताइए साथियों, ऐसा है क्या ये भारत? साथियों, अभी 4 दिन पहले की बात है, आप सबने सुना होगा कि किस तरह एक 15 साल की बच्ची का बलात्कार कर उस उज्जैन की सड़कों पर फेंक दिया मरने के लिए। यहां पर साथियों, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं उन 16,950 में से जिनके आज भी परिवार दर्द से गुजर रहे हैं, जिनका दुख हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस कांग्रेस और बीजेपी वालों की अगर मैं दोनों शासनकाल के दिन मिलाकर आप सबके सामने रख दूं, तो वो भी कम पड़ जाएंगे जितने यहां पे पिछले 5 साल में हत्या और कांड हुए हैं। पर अब और नहीं साथियों, अब कमलनाथ जी और शिवराज जी को ना हम भूलने देंगे और ना हम उन्हें कभी बता देंगे। हम उन्हें बता देंगे कि पिछले 5 साल में 16,950 से हमारे परिवारों के सदस्यों के अत्याचारों का बदला हम मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा पर बसपा का परचम लहरा कर लेंगे। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था हर वर्ष 10,00,000 नौकरियां देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, आज मैं आप सबसे पूछता हूं
क्या उनमें से कोई भी वादा पूरा हुआ? कोई भी वादा पूरा हुआ? साथियों, उन वादों को तो ना ही पूछे तो अच्छा होगा, पर जो काम इन्होंने हर करके दिखाए हैं वो काम मैं आपके सामने कर रख के एक बार रख के दिखाता हूं। शिवराज जी की सरकार नंबर वन पे पहुंच गई पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर वन पे पहुंच गई हमारे SC ST OBC के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर वन पर है हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। साथियों, ये BJP की सरकार इतनी बेशरम है कि जब इनकी गृह मंत्री से पूछा जाता है कि यहां पर इतना आतंक क्यों है, तो उनका जवाब आता है कि भाई यहां की पुलिस हर केस दर्ज करती है, इसलिए यहां पे क्राइम ज्यादा लगता है। साथियों, जब कोई आदमी ये सफाई दे तो सिर्फ दो चीजें सामने आती हैं। पहली तो, या तो हम सब पे वो उस पद पर बैठ के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, या फिर वो आदमी बहुत ही बड़ा बेवकूफ और निहायती गधा है। दोनों ही मामलों में साथियों, उस आदमी को पद पर बैठने का कोई हक नहीं। और जिस मुख्यमंत्री की सरकार में ऐसे काम होने लगे उस मुख्यमंत्री को भी उस सत्ता पे बैठने का कोई हक नहीं। तो साथियों, आज इन्हीं हरकतों की वजह से BJP घबराई हुई है और उन्होंने अपने केंद्र मंत्री को यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। पर यहां शायद वो भूल गए हैं कि बसपा ने यहां पर दो बार मुख्यमंत्री को हराकर वापस भेजा है, तो ये केंद्र मंत्री आपके सामने कुछ नहीं। तो साथियों, अब समय आ गया है इस बेकार सरकार को जवाब देने का। साथियों, इस चुनाव में आपको इनके खिलाफ वोट डालकर बसपा को विजय बनाना होगा। और साथियों, कांग्रेस तो इतनी नालायक है कि बिचारों के पास इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आपके बीच आकर कुछ काम बताने को नहीं है। आती है हर 5 साल में एक मैनिफेस्टो जारी करती है और फिर भूल जाती है। और उसके पास सबसे दूसरा बड़ा हथियार क्या है? हमारे को रोकने के लिए, हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए कि BSP BJP की बी टीम है। वो ज्यादा से ज्यादा बस यही बोल सकते हैं। साथियों, ये आपको गुमराह करने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं। इनके इस हथकंडों से आपको घबराना नहीं और आपको बिखरना नहीं। सरकार से वो बेचारे घबराते हैं, वो घबराते हैं इस बात से कि अगर BSP सरकार में आ गई तो यहां पर भी हमारे SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों वर्ग की भी उसी तरह इज्जत और सम्मान से के साथ जीवन व्यापन हो पाएगा जिस तरह से यूपी में पिछले 5 साल में रहा जब बहन जी का शासनकाल था। साथियों, आज जब बहन जी के सरकार को लोग याद करते हैं तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा लागत इन बच्चियों पर अब खर्च कर इनको अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। साथियों, उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, उन्हें याद आता है वो वक्त जब बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों के लिए 1-1 लाख रुपए देने का काम किया, जिस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों पर खर्चने का काम किया। साथियों,
साथ ही साथ बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और साथ ही याद करते हैं वो समय कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने प्रदेश में व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की। साथ ही साथ बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया। और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीद के दाम दुगने कर दिए। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90 हजार से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, बहन जी ने काम अपने 5 साल के शासनकाल में इस कदर किए ताकि हमारे समाज के लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़े अपना पेट पालने के लिए। तो साथियों, हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर और बहन जी के बेबाक अंदाज को अपनाना होगा दिल और दिमाग से। तो समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ बता दें कि हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर बीएसपी ने जीजीपी के साथ गठबंधन कर यहां पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो मैं आप सभी के से अपील करता हूं कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप बसपा और जीजीपी के को वोट डाल यहां बसपा जीजीपी की सरकार बनाने का काम करेंगे, जो आपके मध्य प्रदेश में बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर यहां पर भी सभी का उत्थान करने का काम करेंगी। अंत में एक बार दोबारा से मैं यहां मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारे यहां पर आए मीडिया बंधु, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।